नमस्कार, अर्थ अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं। आपको इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखकर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो ये है कि बच्चों के आगे एग्जाम लगे हुए हैं और जो बच्चे पूरा कोर्स नहीं पढ़ना चाहते वो कुछ कुछ चैप्टर्स उनके छूटे हुए हैं, तो अर्थ अकेडमी के एप्लीकेशन पर जो कि प्ले स्टोर से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, कैटेगराइज यूनिट वाइज आपको सिलेबस की रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, जिनको आप जल्दी से देखकर आप अपने अपकमिंग एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें प्रीअर्मेंस किस तरह के क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस जैसे एसएससी जैसे एग्जाम्स में और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इसके लिए हम लोगों ने कंटेंट को बहुत अच्छे से प्लान करके हर टॉपिक पे 500-600 क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं। अगर एक टॉपिक पे 20 क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएं तो उसके लेक्चर्स की संख्या बहुत कम होगी पूरे सिलेबस की, बट अगर आप प्रैक्टिस लंबी करना चाहते हैं तो फिर नेचुरल सी बात है कि कंप्लीट पढ़ने के लिए फिर समय तो देना पड़ेगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप मेहनत करके एक एक दिन में दो दो तीन तीन लेक्चर देख करके इन चैप्टर्स को जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो भी कंटेंट होगा वो अपडेटेड होगा, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बोर्ड पे जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, और पीडीएफ लेक्चर्स भी के जो वो भी आपको पीडीएफ नोट्स जो होंगी वो भी आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेंगी, सारे पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन अवेलेबल मिलेंगे। ठीक, आप अगर नियर अबाउट रहते हैं या आपके लिए पॉसिबल है तो अर्थ एकेडमी के ऑफिस आकर आप इन क्वेश्चंस को प्रिंटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आप फोन करके या व्हाट्सएप पर जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पर, जो हमारा नंबर है 9336978960 पर संपर्क करेंगे तो ये बुक्स आपको भेज भी दी जाएंगी। ठीक, उसके लिए आपको चार्जेबल होंगी जो आपकी हार्ड कॉपी में बुक्स भेजी जाएंगी, लेकिन आपको ये सुविधा दी जाती है कि अगर आप चाहें तो हार्ड कॉपी में बुक्स आपको यहाँ से भेज दी जाएंगी इन टॉपिक्स की जो आपको जरूरत है। इन टॉपिक्स में मैं परसेंटेज, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक, और क्वेश्चंस के हर टॉपिक में 500 से प्लस क्वेश्चंस डिस्कस कराए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर, और आप लॉन्ग टाइम में सारे क्वेश्चंस डिस्कस कराए गए हैं। तो आप ईमानदारी से अगर पूरा देख लेंगे तो आप जितने भी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ये कभी मत सोचिए कि मैं लेखपाल की तैयारी कर रहा हूं तो मैं बहुत इजी क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि लेखपाल का पेपर देने वाला भी बच्चा उतनी ही ज्यादा कंपटीशन की तैयारी रखता है जो एसएससी वाले रखता है। आप खुद सोचिए कि क्या लेखपाल का फॉर्म, यूपीएसआई के फॉर्म या जो भी अपकमिंग एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स लगे हुए हैं, क्या उसमें एसएससी जो तैयारी कर रहा होता है वो उस बच्चा फॉर्म नहीं भरता? भरता है, वो भी उसी तरह कॉम्पिटिट कर रहा होता है, उसी एग्जाम में बैठ रहा होता है, तो वो क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर रहा होता है और आपने तैयारी बहुत इजीली की, बहुत सरल क्वेश्चन की है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए अच्छे होंगे, जबकि जो बहुत लंबी प्रैक्टिस लेके आ रहा है वो उन क्वेश्चन को बहुत इजीली हिट कर रहा होगा। तो इस केस में फिर क्या होगा कि मेरिट बहुत ज्यादा जाती है और आपको लगता है मेरिट ज्यादा चली गई इसलिए मेरा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, कंप्लीटली तैयारी करनी पड़ती। हम लोग जो तैयारी करते थे, जैसे अलग अलग एग्जाम्स भी देते थे और एसएससी में मैंने 7-8 बार सिलेक्शन लिया है और एक्साइज इंस्पेक्टर जैसे पदों पर भी चयन लिया, तो ऐसे कंडीशन में मैं देखता था कि उस समय कहा जाता था कि सिलेक्शन मास्टर्स का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मास्टर्स मतलब जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनका होता है, उसका ये मतलब है कि जब सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप हर सब्जेक्ट में कंप्लीट नॉलेज रखेंगे, उतनी नॉलेज रखेंगे जितना नॉलेज उस सब्जेक्ट का टीचर रखता है, तब आपका सिलेक्शन उन एग्जाम्स में हो रहा होगा। इसलिए आप कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कितना इजी एग्जाम दे रहे हो लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। नॉलेज रिजर्वर का एक सीधा सा कंसेप्ट होता है, पढ़ते जाइए, जब आपका ज्ञान का कटोरा भर जाएगा तो आपका चयन हो जाएगा। इसलिए आप आशा के साथ ईमानदारी से लगातार मेहनत करते जाइए। जो आपके इधर 19 के बच्चों ने पेपर दिए, बच्चों के ऐसे रिजल्ट भी जिनमें 200 out of 200 वाले बच्चे भी अपने पास है। ठीक, तो जो मेहनत करेगा वो अच्छा रिजल्ट देगा और अच्छा से एग्जाम में क्वालिफाई करेगा। ये सारा कंटेंट आप एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए, प्री मेंस कुछ भी दे रहे हो, यूपीएसआई, सीडीएस और सीसेट, इन सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होगा। मतलब ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा जो कि आप कर रहे हो। इस पूरे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेक्चर्स की संख्या लगभग अगर देखा जाए कि आपके लगभग 90 लेक्चर के आसपास अवेलेबल होंगे आपके पास इस पूरे लेक्चर, इस पूरे सेशन में, लेकिन उसकी पूरी फीस सिर्फ 999 रखी गई, जबकि आप देखें तो 3 महीने की फीस इससे कहीं ज्यादा होती है अगर आप ऑफलाइन बैच भी दे रहे हो या आप ऑनलाइन दे रहे हो। ठीक है, अब आपको पूरे कंप्लीट कोर्स से आप कंपेयर ना करें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस की संख्या है, लेक्चर्स की संख्या है, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें तो आपको ये फीस कुछ भी नहीं लगेगी, आप बियर कर सकते हैं, और इसमें आपको जितना फीस आपसे ली जा रही है उससे कहीं ज्यादा आपको सीखने को मिल रहा है। तो
ऐप डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो इसी नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक, बाकी और जानकारी के साथ और अपडेट ट्रेन के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट की जा रही है, जैसे मैं कर सकता हूँ और जो धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रहा है उसका लाभ उठाइए और मेहनत करिए, अच्छे से तैयार करते रहिए। ओके, गुड लक ऑल ऑफ यू।